मेरा नाम डेविड है और ये तब की बात है जब मैं 21 साल का था। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए न्यूयॉर्क की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और मैंने शहर से थोड़ी दूर एक घर किराए पर लिया था। ये घर शहर से थोड़ा दूर था पर इसका रेंट काफ़ी कम था, इसीलिए ये मेरे लिए बेनिफिशियल था और मैंने बिना ज़्यादा सोचे ये घर किराए पर ले लिया था। जिस एरिया में ये घर था वहाँ सेम मॉडल के बहुत से घर थे और सभी घर एक दूसरे से थोड़े डिस्टेंस पर ही थे। जिस दिन मुझे उस घर में शिफ्ट होना था उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, पर मेरे पास थोड़ा ही सामान था इसीलिए मैंने पैकर्स एंड मूवर्स की मदद लेकर अपने सामान को शिफ्ट कर लिया। दिन भर सामान शिफ्ट करने के कारण मैं काफी थक गया था, इसीलिए मैंने पिज्जा ऑर्डर किया और वही खाकर सो गया। रात में मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे बेड के पास खड़ा है और मेरी ओर देख रहा है, पर मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था और बहुत नींद में था और इसीलिए मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब मैं उठा तब भी बहुत तेज बारिश हो रही थी जिसके कारण मैं कॉलेज नहीं जा पाया। थोड़ी देर बाद मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया कि बहुत बारिश होने के कारण कई एरियाज में बाढ़ आ गई है जिसके कारण कॉलेज 3 दिनों तक बंद रहने वाला है। पूरा दिन मैंने टीवी देखते हुए ही बिता दिया पर बारिश बिल्कुल भी नहीं रुकी। मैं उस घर में बहुत अकेला महसूस कर रहा था, न जाने क्यों मुझे शुरू से ही वहाँ कुछ अजीब सा लग रहा था। मैं बैठे बैठे यही सब सोच रहा था कि तभी किसी ने डोरबेल बजाई। मैं काफी हैरान था क्योंकि मैं वहाँ पर किसी को जानता नहीं था और वैसे भी इतनी तेज बारिश में कौन आएगा। जब मैंने गेट खोला तो वहाँ पर कोई नहीं था, सड़क एकदम सुनसान थी और बहुत तेज बारिश हो रही थी। जब मैं रूम में वापस आया तो मैंने किचन से कुछ गिरने की आवाज सुनी। जब मैं किचन में गया तो वहाँ पर सारा सामान बिखरा पड़ा था और फ्लोर पर किसी के पैरों के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि कोई बाहर से कीचड़ भरे पैर लेकर अंदर आया हो। फिर मैंने देखा कि मेन डोर ओपन था, जबकि मुझे अच्छे से याद था कि मैंने मेन डोर को प्रॉपरली लॉक किया था। अब मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी थी, मैं काफी डर गया था। इसके बाद जब मैंने उन फुटस्टेप्स को फॉलो किया तो वो फुटस्टेप्स बेसमेंट की ओर जाते दिखे। जब मैंने बेसमेंट के अंदर जाने की कोशिश की तो पता चला कि वो डोर लॉक था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उस डोर को अंदर से लॉक किया हुआ है। अब मुझे यकीन हो रहा था कि अंदर जरूर कोई मौजूद था, पर फिर मैंने जोर से दरवाजे पर धक्का दिया तो वो खुल गया और बेसमेंट में जाने पर वहाँ कोई भी नहीं था। वो पैरों के निशान भी बस बेसमेंट के गेट तक ही थे। तभी मेरे फोन की घंटी बजी और मैं वहाँ से अपने रूम में आ गया। थोड़ी देर बाद लिविंग रूम से टीवी की आवाज़ सुनाई दी। जब मैं वहाँ गया तब टीवी ऑन था, लेकिन मैं तो टीवी ऑफ करके ही गया था। फिर मुझे लगा कि शायद मैं ही टीवी बंद करना भूल गया था और इसीलिए मैंने टीवी बंद कर दिया। पर मैं जैसे ही टीवी बंद करके पीछे मुड़ा मैंने कुछ ऐसा देखा कि मानो मेरी जान ही निकल गई हो। ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल मेरे मुंह से बाहर आ जाएगा। मैंने देखा कि सामने एक आदमी खड़ा था जिसने पूरे काले कपड़े पहने हुए थे और बूट्स पहने हुए थे। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था और तभी मुझे उसके पास ही एक लड़की भी खड़ी दिखाई दी। ये सब देखकर मैं एकदम शॉक था और फिर मैंने मेन गेट की ओर भागना शुरू किया। वो दोनों अब भी उसी जगह पर खड़े थे और मेरी ओर घूर रहे थे। पहले तो मेन गेट खुल ही नहीं रहा था, पर मेरी बहुत कोशिशों के बाद जब गेट खुला तो मैं बाहर की ओर भागा। वहां अब भी बहुत तेज बारिश हो रही थी और आसपास कोई नहीं था। मैं जान बचाकर लगातार भागे जा रहा था। मेरा फोन उस घर में ही छूट गया था, इसीलिए मैं पुलिस को भी कॉल नहीं कर सकता था। मैं पास ही के घर में गया और उनसे मदद मांगी। उन्होंने पुलिस को कॉल लगाया।
मैंने उन लोगों को पूरी बात बताई। तब पड़ोसियों ने मुझे बताया कि उस घर में एक अकेली लड़की रहती थी जिसका मर्डर कर दिया गया था। उसने मर्डरर से लड़ते हुए उसे काफी घायल कर दिया था, जिसके कारण उन दोनों की ही मौत उसी घर में हो गई थी। उन्होंने बताया कि कई लोगों ने उन दोनों को वहां देखा था। अब मुझे समझ आ रहा था कि शायद इसी कारण से उस घर का रेंट इतना कम था। मैं आज तक वो भयानक दृश्य नहीं भूल पाया हूँ। उस दिन के बाद से मैं वापस उस घर में कभी नहीं गया। उस इंसिडेंट के बारे में सोचकर ही आज भी मैं कांप उठता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके साथ कोई स्केरी इंसिडेंट हुआ हो तो उसे नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। आपको हमारे चैनल पर हर हफ्ते एक नई वीडियो मिलेगी, तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।